नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे। आज के बिजनेस न्यूज शुरू करने वाले हैं और आज हम बताएंगे आपको कि किस कंपनी ने कितनी फंडिंग उठाई, कौन से स्टार्टअप है जो ग्रो किया और किस स्टार्टअप को क्या सपोर्ट मिला। तो आइए शुरू करते हैं इस बिजनेस न्यूज के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे रिवील फूड्स है जिन्होंने $50 मिलियन की फंडिंग उठाई है अपने फूड चैन को स्टार्टिंग करने के लिए, अपने फूड रेस्टोरेंट को और अच्छा बनाने के लिए। तो इनको $50 मिलियन की फंडिंग रेस किए इन्होंने। तो आगे देखते हैं यार ये कितना ग्रो करते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं और $50 मिलियन लेके ये सीरीज सी राउंड की फंडिंग उठाई है। तो आगे कितना बढ़ते हैं वो तो आगे पता चलेगा। नेक्स्ट है यार वेदांतु। आप जानते होंगे वेदांतु, जो कि एक एजुकेशन पोर्टल है और यहाँ पे आप अपने स्टडी के लिए कई चीज़ें पा सकते हैं, मटेरियल्स। तो इन्होंने अभी फंडिंग सीरीज सी के ए फर्स्ट राउंड में इन्होंने 96 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है। तो आगे देखो यार, अभी लॉकडाउन पीरियड है तो अभी कितना इनको ग्रो मिलता है, कितना इनको, क्योंकि लॉकडाउन पे सब घर पे हैं और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वेदांत ने अभी आगे जाके ये क्या करने वाला है क्या नहीं, तो देखते हैं ये 96 करोड़ रुपये से क्या करेंगे, अपने स्टार्टअप में कितना ग्रो करेंगे वो आगे पता चलेगा। तो देखते हैं दोस्तों, अलीबाबा को तो आप जानते होंगे। अलीबाबा ने बिग बास्केट में इन्वेस्ट किया है, $50 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया है। आप जानते हैं यार कि इस लॉकडाउन में लोग बिग बास्केट से ग्रॉसरी आइटम, ई किराना और ये सब चीज़ें ऑर्डर करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो अभी कुछ दिनों तक बिग बास्केट बंद था, लेकिन इन्होंने परमिशन ले ली है और अपने संसाधन से, अपने सॉफ्टवेयर से कितनी सेलिंग करेंगे अब, क्योंकि इनको ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लोग इन्हीं से ऑर्डर करके चीज़ें मंगा रहे हैं। तो मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ऑर्डर इतने ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इन्होंने अलीबाबा से फंडिंग उठाई है। अब आगे ये कितना ग्रो करते हैं, बिग बास्केट करीब 80 सिटियों में अपनी वर्किंग शुरू कर दी है फिर से और आप उससे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, उसका ऑर्डर गेट कर सकते हैं। अब देखो, बिग बास्केट में इतने ऑर्डर मिल रहे हैं यार कि करीब इन्होंने टाइम डिसाइड किया है, लगभग सुबह 7 से 10 बजे के बीच में ये डिलीवरी देंगे और ये अपना स्लॉट जो है पूरा दिन चला रहे हैं, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक के बीच में। तो आप कोई भी स्लॉट सेलेक्ट करके अपना ऑर्डर मंगा सकते हैं बिग बास्केट से। अब देखो ये फंडिंग उठा के ये कितना ग्रो करते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है यार कि बिग बास्केट और ग्रोफर्स को आप जानते होंगे। बिग बास्केट और ग्रोफर्स करीब 12,000 एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, लाइक डिलीवरी बॉय को, क्योंकि यार देखो स्टाफ जो है वर्किंग में नहीं थे, अभी फिर से वर्किंग में ला रहे हैं, अपने काम को बढ़ा रहे हैं। तो अपने गोदामों में सामान को सेल करने के लिए, बेचने के लिए और प्रोडक्ट को घर तक पहुँचाने के लिए ये करीब 12,000 लोगों को फिर से हायर करेंगे। तो आगे देखो क्या होता है, अभी लॉकडाउन है तो इन्होंने पूरी सावधानी से काम करेंगे, सावधानी रूप ये काम करेंगे, इनको परमिशन मिली है। तो आगे देखो क्या होता है और ये करीब 12,000 लोगों को अब जॉब देने वाले हैं, तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है आगे। दोस्तों, जोमेटो को आप जानते होंगे, ऑनलाइन फूड्स ऑर्डरिंग कंपनी को। जोमेटो इतना ज़्यादा प्रचलन में था आगे और इस लॉकडाउन के चक्कर में करीब 70% की गिरावट आ चुकी है जोमेटो में और जोमेटो को भारी लॉस हो रहा है, क्योंकि करीब इनके जो ऑर्डर थे इतने ज़्यादा थे, अब ऑर्डर की गिरावट हो के करीब इनके 4 से 5 मिलियन ऑर्डर पर डे ये डिलीवर करते थे, लेकिन इतनी गिरावट आने के बाद अब ये 1 मिलियन ऑर्डर पर आ गए हैं, अब ये लगभग 1 मिलियन ऑर्डर डिलीवर कर पा रहे हैं। तो आप जोमेटो से खाने वगैरह के ऑर्डर कर सकते हो, मंगा सकते हो, लेकिन इनको करीब 70% की गिरावट इन पर आ चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ यार पेपाल को आप जानते होंगे। पेपाल जो कि इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्टेबल कंपनी है। अब यार यहाँ पे पेपाल, अगर आप बाहर से कहीं से पेमेंट मंगाना चाहते हो तो पेपाल में अकाउंट बना के आप वहाँ से पेमेंट मंगा सकते हो। तो पेपाल ने अब तैयारी शुरू कर दी है इंडिया में UPI लाने की। अब इंडिया में जल्द ही पेपाल का UPI लॉन्च होने वाला है। तो आप अगर वेबसाइट है आपकी, कोई मोबाइल एप्लीकेशन है और उसमें आप पेमेंट गेटवे लगा के रखे हो पेपाल का, तो उसमें आप UPI का भी ऑप्शन दे सकोगे। तो जल्द ही आने वाला है, पेपाल लॉन्च करने वाला है कुछ ही दिनों में। तो UPI का समर्थन करने के बाद पेपाल अब देखो क्या करता है क्या नहीं करता है, आगे देखेंगे हम इसके आने के बाद। दोस्तों, व्हाट्सएप को आप जानते होंगे, कैसे फ्रिक्वेंसी फॉरवर्डर्स मैसेज चलते हैं कि यार इतनी ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप ने इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। कुछ कैसे रिस्ट्रिक्शन है कि आप अगर एक मैसेज है तो उस मैसेज को अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही लोग को वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 10 लोगों को सिलेक्ट किया और उसको फॉरवर्ड कर दिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं व्हाट्सएप ने। आप उसमें व्हाट्सएप में इतने ज़्यादा मैसेज एक साथ नहीं भेज सकते, फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अफवाहें इतनी ज़्यादा फैल रही हैं, उस चक्कर में व्हाट्सएप ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं।
आप व्हाट्सएप में स्टेटस डाल दे होंगे तो आप करीब 15 सेकंड का स्टेटस ही डाल पाएंगे, पहले 30 सेकंड था उसको घटाकर 15 सेकंड कर दिया है। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन हो रहे हैं क्योंकि अफवाहें इतना ज़्यादा फैल रही हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग अजीबोगरीब टाइप के लिंक और अजीबोगरीब टाइप की गलत खबर अफवाहें फैलाते हैं और लोग उससे गुमराह होते हैं तो आगे प्रॉब्लम होती है। इसलिए यार ये रेस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ही ज़रूरी था, गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाए और अब आप एक मैसेज को एक ही लोग को फॉरवर्ड कर सकते हो एट द टाइम। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ न्यूज़, आपको इसमें से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। दोस्तों आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोज़ आते रहती हैं, चाहे वो स्टार्टअप से रिलेटेड हो, चाहे वो बिज़नेस न्यूज़ हो, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो, सारी वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।